नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आज की हमारी खास चर्चा विजय आरण सिंह जी से है, और इस जमुना कोतमा क्षेत्र SCCL कोयलांचल क्षेत्र की जो नगरी कही जाने वाली, और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अहम हिस्सा जमुना कॉलोनी, यहाँ पर से बिलोंग करते हैं। अभी आपको हाल फिलहाल पता है कि कई सारी चीज़ों में जो है तो संशोधन हुए, कई सारी चीज़ें लगातार चली आ रही हैं। कभी पेंशन के मसले सामने होते हैं तो कभी क्षेत्रीय प्रबंधन को लेकर के, या फिर आप देखिए कि कभी हड़ताल चल रही होती है, अनशन, तमाम ऐसे कई सारे मुद्दे जो है तो हमारे सामने लगातार आते रहे हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट मसला अभी भारतीय मजदूर संघ के लिए जो सामने आया था वो था CMPF को लेकर के, उसमें जो कटौती की गई। दूसरा, अभी आपको पता होगा कि भारतीय मजदूर संघ द्वारा एक जो नया वन नेशन वन पेंशन का एक सिस्टम लागू किया गया, कि उसमें भारतीय मजदूर संघ की क्या राय थी वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे, और CMPF में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से जो है तो BMS के लोगों को जो है तो जबलपुर तक जाना पड़ा। और सबसे बड़ा मसला अभी का जो सामने आया है कि भारतीय मजदूर संघ इस 2 दिवसीय हड़ताल यानी कि 28 मार्च और 29 मार्च की हड़ताल में शामिल क्यों नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो समझते हैं हम वन नेशन वन पेंशन के बारे में, इसमें विजय सिंह की क्या राय है। चलिए, विजय सिंह जी, अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू आया ITV भारत में, जिसमें आपके जो मुख्य मान रूप से जो माने जाते हैं, तो उन्होंने वन नेशन वन पेंशन की एक आधारशिला रखी और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या मानते हैं आपके, वाकई जो है तो सिस्टम में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छी सोच रखी और हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने का माध्यम बने। आपको बता दें कि भारतीय मजदूर संघ के जो महामंत्री हैं विनय सिन्हा जी, और बहुत ही अलग सोच रखने वाले नेता हैं। उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया जिससे हम लोग भी काफ़ी प्रभावित हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। क्या हुआ कि एक वन नेशन वन पेंशन की बात उन्होंने अभी रखी है, इसमें आप देखिए भारत एक है और भारत का संविधान सभी के ऊपर बराबर लागू होता है। उसी अनुसार आप देखेंगे कि क्या ऐसी समस्या है जो 45 प्रकार की पेंशन भारत में अन्य जगह जगहों पे दी जाती है, 45 प्रकार की पेंशन दी जाती है। तो कहीं हर प्रकार के पेंशन में हर संगठित असंगठित क्षेत्र या जगह जगह पेंशन का एक अलग अलग फार्मूला है और अलग अलग अमाउंट मिलते हैं। तो भारतीय मजदूर संघ ने चिंतन किया, अच्छा चिंतन है कि उन्होंने कहा, अगर भारत हमारा देश एक है, हम भारत देश के नागरिक हैं और हमारा जो है राष्ट्र मतलब संविधान एक है, तो पेंशन एक जैसे भी लागू होनी चाहिए। और उसका जो है बात रख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को भी, और हम भी जो है बड़े गौरवान्वित हैं कि हम भारतीय मजदूर संघ के सिपाही हैं और हमारे भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ नेताओं की बड़ी अच्छी अच्छी सोच है। दूसरा, यहाँ पर अभी बीच में जो CMPF तक जाने का आप लोगों का निर्णय आया कि पूरा का पूरा दल भारतीय मजदूर संघ का जो है तो जबलपुर में था, क्या ऐसा हुआ कि उस बीच आप लोगों को यहाँ तक इस तरह के कदम उठाने पड़ गए? जी, क्या है देखिए, जबलपुर ही नहीं, जहाँ जहाँ CMPF का कार्यालय है, CMPF का ऑफिस है, हर जगह भारतीय मजदूर संघ ने और बृहद आंदोलन किया और विशाल मतलब जन समर्थन के साथ में आंदोलन किया। उसका कारण था क्या, एक दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो वर्करों श्रमिकों की गाड़ी जो कमाई होती है जीवन की, भविष्य जो जिसका निर्धारण होता है, जिससे वो पैसा वहाँ जमा होता है, तो उसको क्या कहीं ना कहीं निवेश करते हैं हम लोग। तो निवेश उन्होंने, इसका बोर्ड है वहाँ बैठ करके निर्णय होता है, बिना किसी निर्णय के वो उठा करके दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को दे दिया। आज के डेट पे उन्होंने दीवान हाउसिंग कंपनी बोलती है हम दिवालिया हो गए, हमारा 727.67 करोड़ रुपये आपको नहीं देंगे, हम दिवालिया हो गए। तो PF डिपार्टमेंट ने क्या किया, एक तरफा निर्णय क्या लिया कि राइट ऑफ कर दीजिए इसको। राइट ऑफ क्यों करिएगा भाई, राइट ऑफ मतलब माफ़ क्यों करिएगा, पैसा वसूलने का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि उसका सीधा सीधा लोड जो है ना, आज के श्रमिक जो काम कर रहे हैं उस पर आता है, और जो श्रमिक रिटायर हो गए हैं कर्मचारी,
उनकी भी तो पेंशन उसी से चल रही है, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा तभी ना कहीं दिया जाएगा। तो ये जो है इस बहुत बड़ा विषय था जिसको गंभीरता से लेकर के, और भारतीय मजदूर संघ ने CMPF के हर कार्यालयों का घेरा हुआ, चाहे VCL में हो, चाहे BCCL में हो, चाहे CCL में हो, WCL में हो, हर जगह बिलासपुर में भी किया, जबलपुर में भी किया, जिसका नतीजा था कि भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल को बुला करके जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने लिखित दिया कि हम राइट ऑफ नहीं करेंगे। राइट ऑफ के निर्णय का जो है उन्होंने तुरंत खंडन किया कि हम उसको वापस ले रहे हैं और इस पैसे को वसूलने की व्यवस्था की जाएगी, और वो व्यवस्था कर भी रहे हैं। और ये आपको बता दें, ये भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में हजारों हजार लाखों लाखों श्रमिकों, संगठित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की जीत एक ही जीत है। ये पहला चरण है जीत का कि लोगों के हितों के लिए आगे यूनियन भी बढ़ी और सरकार को भी, मतलब आपको कमिश्नर को भी झुकना पड़ा इस विषय पर। तो इसके लिए तो मैं आपको बताऊं कि वो लोग जो क्या होता है, देखिए आपने हमारा भारतीय मजदूर संघ से आप चर्चा हुई होगी, वरिष्ठ वरिष्ठ, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता में हैं। आप देखे होंगे हमारा एक नारा है, त्याग तो देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम, पहला हो गया। दूसरा हो गया कि BMS की क्या पहचान, तो BMS की पहचान में आता है त्याग तपस्या और बलिदान। तो उस त्याग तपस्या और बलिदान का जो नारा था ना, वो बस उस दिन देखने को मिल रहा था कि अलग अलग जो अपने कमिश्नर का जब घेराव हो रहा था, तपती हुई धूप में लोगों के द्वारा जिस प्रकार का आंदोलन किया गया वो एक त्याग और एक भारतीय मजदूर संघ के लोग ही कर सकते हैं। इसमें हमारे बड़े ऊपर वाले जो हमारे मार्गदर्शक मंडल है वो तो गौरवान्वित होगा ही होगा, हम लोग छोटे जैसे लोग भी उसमें बड़ा गौरव महसूस कर रहे थे कि हमने कुछ किया है अपने लोगों के लिए। तो अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अब आप लोग देखिए क्या करते हैं। एक सफ़र आप लोगों का भोपाल का भी था जिसमें पूरा दल यहाँ से उठ करके गया हुआ था, उसमें आप लोगों की क्या मांग शर्तें थी जिसकी वजह से भोपाल का दौरा हुआ? क्योंकि उस समय मुझे लग रहा है कि नेशनल तक जो है तो शायद ये मीटिंग चली, और मीटिंग से लेकर के आंदोलन प्रदर्शन भी किया गया था। अच्छा विषय है, देखिए भोपाल का जो निर्णय था वो असाधारण साधारण निर्णय नहीं था, बहुत तो वो था, और वहाँ की जो जनसंख्या थी उसको देख करके मैं, मतलब आपको बता रहा हूँ, मेरा बहुत बड़ा करियर नहीं है इसका आपका संगठन में, मतलब 10-20 साल से, उतना बृहद आंदोलन भी मैं पहली बार देखा था और बड़ा अच्छा लगा आने, मतलब एक ऊर्जा जागृत हुई है उससे। देखिए उसको बहुत सारी मांग थी राज्य से लेकर के केंद्र तक की, जिसमें आपका बीड़ी उद्योग हो गया, आपका आंगनबाड़ी हो गया, ये सब जो है आशा उषा कार्यकर्ताओं का शोषण हो गया, इनका वेतन से संबंधित मुद्दे थे, ये सब सारी चीज़ें थे, पेंशन वगैरह से संबंधित उनकी थी, जिस पर प्रबंधन में मुझे जानकारी मिली है कि आपको सरकार, राज्य सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए जो है अनुमति भी प्रदान की गई है, अनुमति भी प्रदान की गई है, और जिसके कारण जो है अच्छा रहेगा, अच्छा हुआ और अच्छा लग रहा है कि अच्छा होगा आने वाले समय में। चरणबद्ध आंदोलन का तो पहली सीढ़ी थी, आने वाली सीढ़ी और भी हैं जिस पर हम लोग जो है और भी अच्छाई से चढ़ करके और आगे बढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल पता ही हुआ कि आपका 2 दिवसीय हड़ताल का जो निर्णय आया सामने, जिसमें कई सारे श्रम संगठन सम्मिलित तो हुए, लेकिन फिर भी मेरी एक छोटी सी राय है और मैं उसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरे अंदर दिमाग में चल रहा है कहीं, खास करके 3 दिनों से, कि आखिर BMS क्यों शामिल नहीं हुई, और दूसरा निजीकरण को लेकर के जहाँ पर मेरी खुद की सोच है तो वहाँ पर मुझे लगता है सभी लोगों की एक होने की आवश्यकता थी। तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा क्या निजीकरण कोई निष्कर्ष है या फिर इससे क्या लाभ होना है, नुकसान होना है, क्या सबसे पहले तो हम इस पर चर्चा करें। देखिए आपको मैं बता दूं कि अभी इसके जब बहुत दिन नहीं हुआ, जिसमें 2 दिन की बहुत तगड़ी हड़ताल हुई थी और 100% सफल हड़ताल थी जिसमें भारतीय मजदूर शामिल था। उसके पहले 5 दिन की हड़ताल हुई जिसमें 2-3-5 दिन भारतीय मजदूर संघ ने किया, 2 दिन और संगठनों ने किया, लेकिन हम लोग भी कंटिन्यू थे।
इसका मतलब आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि राजनीति छोड़िए, राजनीति छोड़िए और श्रमिक और मजदूर हित में आ गया। ये क्या होता है जब इसके पहले निजीकरण किया, फुल हड़ताल हुई, हमने साथ दिया है, ऐसा कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता कि भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं होता। मैंने क्या कहा कि भारतीय मजदूर संघ किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, स्वतंत्र श्रम संगठन है, मजदूरों के द्वारा मजदूरों के लिए बनाया हुआ श्रम संगठन है, जिसका उद्देश्य है सिर्फ कि जो श्रमिक हैं उनके हित की बात होती है। हमारा कोई सरकार नहीं, बाकी जो श्रम संगठन है वो राजनीति से प्रेरित हैं। देखिए उनका जो इतिहास है, आप देख उठा के देखिए, 1920 में जब श्रम संगठनों का वो हुआ तो ट्रेड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, उसके बाद टूट टूट के बहुत सारे श्रम संगठन बने, सबके द्वारा किसी न किसी पार्टी से किसी न किसी जगह पे उनका वो है। और भारतीय मजदूर संघ 55 में बना, लेकिन अलग ही लोगों के द्वारा बनाया गया, अलग सोच के साथ में। तो हमने कहा कि हमारी सोच सिर्फ मजदूर हित की है, आप मजदूर हित में आइए, निस्वार्थ भाव से आइए, हम आपके साथ हैं, उसके पहले जैसे उन्होंने किया था हम साथ में थे। मतलब एक सीधा सा वो है कि यहाँ पर राजनीतिक विसंगतियों का सामने आना जो है तो बीएमएस को कहीं ना कहीं पर पीछे की ओर जाने पर मजबूर कर रहा है। पीछे की ओर का मतलब है कि आप, मैंने कहा ना कि हम राजनीति से, हमारी कोई सरकार नहीं है, हमारी कोई सरकार नहीं है और ना हम किसी सरकार के समर्थक हैं, हम उसके समर्थन हैं जो समर्थक हैं, सरकार कोई भी हो जो मजदूर हित में काम करेगी हम उसका समर्थन करते हैं और उसके साथ उसके नियम कानून का समर्थन करेंगे। अब अगर मजदूर का संगठित असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के हित में अगर काम नहीं करेंगे तो हम विरोध करते हैं, करते रहेंगे। और ये जो हड़ताल थी ना, हड़ताल अभी हुई है, आज उसका अंतिम दिन दिवस है, उसमें आप देखिएगा कि राजनीतिक अस्तित्व संगठनों का हो रहा है ख़त्म। तो जो राजनीतिक संगठन होते हैं कि वो राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, माहौल बनाते हैं कि हमारे भी अस्तित्व बचा रहे, लेकिन हम कहते हैं कि जो पार्टी से संबंधित होगा उसी को ये सब सोचना पड़ेगा। हम तो मजदूरों के लिए हैं और मजदूरों की सोचते हैं, जब मजदूरों की बात आएगी तो आगे आगे बढ़ के आगे हमें भी मालूम है कि कुछ ऐसी चीज़ है जिस पर विरोध करना चाहिए, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, किया है, ऐसा कोई वो नहीं है। इसमें अपना अपना स्तर है कि भाई हमें कहाँ पर करना चाहिए और कहाँ। मैंने कहा ना कि राजनीति से प्रेरित होकर के मत आइए। भारतीय मजदूर संघ ने आह्वान किया है, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री, चाहे वो कोयला के महामंत्री है वीके एम सुधीर जी गुरुड़े जी हों, चाहे विनय सिन्हा जी हों, हमारे प्रभारी लक्ष्मण रेड्डी, आह्वान किया है कि आप राजनीति छोड़िए, संगठित होकर के आइए, मजदूरों के और श्रमिकों के बारे में सोचिए और आइए, हम आपका नेतृत्व, हम नेतृत्व करेंगे, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन राजनीति छोड़ के आइए। और ये राजनीति से प्रेरित था इसलिए भारतीय मजदूर संघ इसमें शामिल नहीं था। और जिसका असर आप देखिए कि भारतीय मजदूर संघ राष्ट्र का सबसे बड़ा श्रम संगठन है। अगर सबसे बड़ा श्रम संगठन है तो कुछ ना कुछ तो कारण है। आज श्रमिकों ने अगर भारतीय मजदूर संघ को प्रथम स्थान दिया है तो उनको विकल्प है भारतीय मजदूर संघ की, मजदूरों के हित में काम करता है, मजदूरों की सोचता है और मजदूर ही उसके नेता है, कोई बाहर के नेता नहीं है। हमारे यहाँ आप देखिएगा कि आप कोयले में देखिए, चाहे वो GBCCI हो या कहीं भी हो, हमारे जो श्रमिक हैं वही हमारी नेता हैं और वही हमारी बात जाके रखते हैं, क्योंकि उनको पता है ना भाई कि हम इस धरातल पे क्या हो रहा है। अब बाकी आप आकलन लोगों से कर लीजिए, आकलन कर लीजिए, उनका कोई ना बैलाज है ना कुछ, 80 साल 90 साल 85 साल से एक ही एक ही जो भी है 50 साल से एक ही एक ही पोस्ट पर पड़े हुए हैं और अपना घरों में रहते हैं, वो क्या हमारा वेतन निर्धारण करेंगे। भारतीय मजदूर संघ बीच में रहता है ना, तो इसीलिए रहता है भारतीय मजदूर संघ कि भाई मजदूरों के बारे में सोचता है, मजदूरों के लिए करता है। चलिए ये थी आज की हमारी खास चर्चा, और अभी जो 2 दिन की हड़ताल थी उस पर भी हमें एनालिसिस करना है। तो हम जिन संगठनों द्वारा अभी हड़ताल की जा रही थी 2 दिन का, क्योंकि कल 28 और आज 29 की हड़ताल लास्ट है, तो यहाँ पर से हम कल प्रयास करेंगे कि एनालिसिस करें कि उस हड़ताल का रिजल्ट था क्या। तो चलिए इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।